दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर बिग बॉस ने मिडवीक एविक्शन कर दिया है। जी हां दोस्तों, घर के अंदर बचे 6 कंटेस्टेंट में से एक कंटेस्टेंट घर से बेघर हो गया है और वो घर से बेघर होने वाली कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि नेहा भसीन है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, नेहा भसीन को बिग बॉस ने मिडवीक एविक्शन के थ्रू घर से बेघर कर दिया है। इस दौरान अब केवल घर के अंदर केवल 5 ही फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट बचे हैं, जो कि दोस्तों दिव्या अग्रवाल, निशांत भट्ट, समिता शेट्टी, प्रतीक सहसपाल और राकेश बापट है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आज सुबह से ही बिग बॉस के घर के जो ब्लाइंड्स है वो गार्डन एरिया वाली बंद थी, लेकिन बिग बॉस ने कुछ समय पहले ही वो ब्लाइंड्स खोले थे और घर के सभी कंटेस्टेंट को ये आदेश दिया कि आप सभी लोग गार्डन एरिया में आकर खड़े हो जाइए। इसके बाद बिग बॉस ने घर के सभी कंटेस्टेंट को बताया कि आज आप में से किसी एक कंटेस्टेंट का घर से बेघर होना तय है, क्योंकि जनता ने अपनी वोटिंग के आधार पर यह बता दिया है कि आज आप में से कौन बेघर होगा। इसके बाद दोस्तों बिग बॉस ने घर के सभी कंटेस्टेंट को कहा कि अब वक्त है घर के 4 फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट के नाम की घोषणा करने का, जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले दिव्या अग्रवाल के नाम की घोषणा की, इसके बाद में निशांत भट्ट के नाम की घोषणा की, तीसरे नंबर पर समिता शेट्टी और चौथे नंबर पर प्रतीक सहसपाल के नाम की घोषणा की और डेंजर जोन में राकेश बापट और नेहा भसीन को बुलाया, जिसके बाद उन्होंने मुख्य दरवाजे के सामने बने 2 दरवाजों के सामने इन दोनों कंटेस्टेंट को खड़ा कर दिया और आदेश दिया कि आप दोनों इन दोनों दरवाजे से आगे बढ़िए और इसके बाद में आप दोनों में से किसी एक के लिए इनमें से एक दरवाजा अंदर की ओर खुलेगा, जबकि एक दरवाजा मुख्य दरवाजे से बाहर की ओर खुलेगा, जहां से आप अपने घर पर जा सकते हो। वहीं दोस्तों इसके बाद में जब दोनों ही कंटेस्टेंट उन दरवाजों में घुस गए तो बिग बॉस के द्वारा नेहा भसीन को घर से बेघर कर दिया गया, जबकि राकेश बापट के लिए घर के अंदर का रास्ता खुल गया, यानी कि वो अंदर वापस आ गए और नेहा भसीन घर से बेघर हो चुकी है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यह बिग बॉस का सही फैसला है या गलत, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।